Hello everyone, good morning to you all. And today we will discuss about the tense part 7, okay? And this is the tense, present continuous tense. And this video is helpful to all the classes, okay? But especially I am teaching to the 9th and 10th class. But this video is important to all the classes, okay? So anyone that can see the videos of related to the grammar, because in every class the grammar is included. Grammar is included, especially in the section of the grammatical or composition. Okay, so let's talk about the present continuous tense. Okay, first of all we talk about the helping verb. What are the helping verbs? Was and were. Okay, and you know that was is singular and the verb is plural. So helping verb was or were की बात हम कर रहे हैं, तो was is singular and were is plural. Okay, and the next is main verb. Main verb is the ing form. Okay, कह सकते हैं for form, the ing form. ठीक है ना? अब यहाँ पे हमने structure के बेस से देखा, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ओके, ये हमारे पास है. हमने स्ट्रक्चर के बेस पर इसको हमने रीऑर्डर किया है. देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट वाज पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म हो गई. वही सेम स्ट्रक्चर, केवल चेंज है तो किसका, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है. यहाँ देख सकते हैं सिर्फ हमने डॉट ऐड किया है. यहाँ पर इंटरोगेटिव में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट बाद में और हेल्पिंग वर्ब पहले यूज की है. ओके, a helping verb is used before subject in the interrogative sentence. Okay, so let's see the example. Some policemen space our house says that day. It means that day. That अपने आप में past है, ध्यान रखना. अगर that के साथ कोई time है, that के साथ कोई time है, तो समझ जाना कि वो past में है. It means past की condition के लिए मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन past में ही हो सकता है. It may be the option in the past. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट आर द ऑप्शन दिस क्वेश्चन हैज. लेट्स सी, वाज चेकिंग, वर बीइंग चेक्ड, वाज बीइंग चेक्ड एंड वर चेकिंग. अब यहां पर ऑप्शन डिपेंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि वाज वर्ब के साथ बीइंग का यूज आपको पता है किस कंडीशन में किया जाता है. इन व्हाट कंडीशन दैट बी एंड बीइंग इज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर. ओके, यू कैन सी दैट व्हेन a topic comes of the name of active passive, that is the condition is the same. Okay, ध्यान रखना, being और be helping verb के साथ हम use करते हैं passive voice की condition में mostly. तो ध्यान रखिए, वो जो verb के साथ ing form का लगाते हैं लेकिन being का use नहीं करते. लेकिन अब ध्यान रखना है passive voice में करते. तो first of all we have to check this simple question belongs to the passive voice. We can see that. हम देख सकते हैं यहाँ पर some policemen space our houses that day, कि कुछ policemen जो है उस दिन हमारे घर की क्या कर रहे थे, checking कर रहे थे. It means हम कह सकते हैं यहाँ पर doer कौन है, policemen. It means काम करने वाले कौन है, doer है. It means हम कह सकते हैं active verb not passive. Okay, अगर doer अगर हमें blank से पहले, main verb से पहले मिले, it means समझ जाना कि वो active है. It means active के अंदर being की condition नहीं होती. ठीक है, वॉच वर्ब के साथ बी की कंडीशन नहीं होगी. इट मींस बी के हमारे पास दोनों भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे. क्लियर है? उसके बाद देख सकते हैं हम सब पुलिसमैन, यहाँ पर ये प्लूरल है, यानी कि अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के लिए प्लूरल सब्जेक्ट भी होना चाहिए. इट मींस इट इज सिंगुलर, इट इज नॉट करेक्ट. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द वर चेकिंग. यू कैन सी दैट वर इज प्लूरल एंड आफ्टर ऑल दैट दिस इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. इन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना, वी यूज ing form with the was and were, but there is the subject is plural, then after all the option is helping verb is in the plural. ठीक है, अब बात कह सकते हैं कि वर के साथ हमने ing का यूज किया है जो बिल्कुल करेक्ट फिट होता है. अगर सपोज करिए हैज होता और यहाँ ing form होता तो मैं कह सकता था कि ये मैच कर रहा, नहीं कर सकता. हाँ, हैज बीन होता, ing होता तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये इसके साथ कॉम्बिनेशन फिट है. अब जिसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं है उसके साथ कॉम्बिनेशन अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे, इट मींस वो ऑप्शन अपने आप में ही गलत होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वर चेकिंग. ठीक है, ओके, लेट्स सी द
Next examples. The sun is placed very brightly every day. That summer. That के बाद time आया है. Summer अपने आप में season, season अपने आप में time होता है. और यहाँ पर time इट इज past में है. Present के option का मतलब ही नहीं है. Present के option हमारे पास दोनों गलत हो गए. अब हमारे पास correct C और D में से हो सकते हैं. अब देख सकते हैं the sun is singular. Okay? In that condition, we should have a singular verb. अब यह देख सकते हैं कि singular किसमें है? अब दोनों में ही singular है. दोनों में ही singular है, but यहाँ पर ये present है. It means हमें past का option चाहिए. It is correct answer is C. Okay, was silent. Clear? C space, not space, breakfast at that moment. At that moment आपको मैंने बताया था. At that moment is used in the present continuous tense. In the present continuous, we use the verb most verb ing form. Okay? देख सकते हैं वोजन, ये इसमें वोजन है, नहीं है, रॉन्ग है, नहीं है, रॉन्ग है, ये हो सकता है. सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए सिंगुलर का यूज होता है, लेकिन दोनों में ही सिंगुलर है. अब क्या करें? अब आपको पता है कि सी यानी कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट कुकिंग करने का काम कौन करती है? सी वह यानी कि डूअर पहले आया सब एक्टिव का है और यहाँ पर ये पैसिव का ऑप्शन है, ये गलत होगा. हमें एक्टिव का ऑप्शन चाहिए. इट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द कांसेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. ओके, सो मेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं सेंटेंस ऑफ इमेजिनेशन. सेंटेंस ऑफ इमेजिनेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो कल्पना वाले सेंटेंस है, जिसमें हम कल्पना करते हैं, जिसमें हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि काश में ये होता, काश में वो होता. इस तरीके से अगर आप कल्पना कर रहे हैं उस कंडीशन में हम देखते हैं. जैसे अगर आपको सेंटेंस में क्या मिले, एज इट मिले, एज दो मिले, ठीक है. इसके अलावा आई विस और ही विसेस है या सी विसेस है. उसके बाद अगर सब्जेक्ट का यूज, स्पेस और सब्जेक्ट, तो ध्यान रखें यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, वर्ब का यूज करना है. ध्यान रखें आपको अगर सर ये सब्जेक्ट कैसा हो, चाहे ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे ये सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको हमेशा क्या लगाना है, वर्ब लगाना है. क्लियर है? आई विस आई स्पेस द पीएम ऑफ इंडिया. यहाँ पर उसने कहा कि मैं इस बात की कल्पना करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि काश में क्या होता, मैं इंडिया का पीएम हूँ. इट इज द सेंटेंस ऑफ इमेजिनेशन. इसमें कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं आएगा. ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि आई के साथ पर नहीं होगा, मैंने क्या बताया, कैसा भी सब्जेक्ट हो क्या लगाना है, वर्ब. इट मीन ऑप्शन क्या होगा, बी. इतने नहीं हो सकता, ये नहीं. क्लियर है? ऐसा ही देखो, सी वी हैव एज इफ आया और उसके बाद क्या आया, सी आया कि नहीं आया. इट मीन्स यहाँ स्पेस दिया हुआ है. अब क्या करें, देखिए पहले उसने ऐसा व्यवहार किया, मानो कि मैं मेरी माता जी हूँ, मम्मी जी हूँ. इट मीन्स यहाँ पर मम्मी होने का क्या किया, एक तरीके से इमेजिनेशन किया. और इमेजिनेशन में ध्यान रखना बनता ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. ये सारे ऑप्शन हमारे लिए ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है. इसको नोट कर लीजिए. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग ओवर हैड, वेन वर्ब, थर्ड फॉर्म. ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर. अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस केवल नॉट और एंड कर देंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट को बाद में हेल्पिंग ऑफ हेड पहले लगा देंगे और इसमें इंटरोगेटिव को ही नेगेटिव बनाने के लिए नॉट कर देंगे, ठीक है, नॉट लगा देंगे. ट्रिक देख सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है सिंपल में, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जब आपको बिफोर दें. अब चाहे बिफोर शुरू में मिले चाहे लास्ट में मिले, कैसे मिले, लेकिन ध्यान रखें बिफोर एज ए कंजंक्शन काम करना चाहिए और आफ्टर भी आ सकता है. आफ्टर भी एज ए कंजंक्शन काम करना चाहिए क्योंकि बिफोर आफ्टर का यूज प्रपोजिशन में भी करते हैं, कंजंक्शन में भी करते हैं. हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन की, ठीक है, यहाँ प्रपोजिशन की बात नहीं कर रहे. और कंजंक्शन से हम ध्यान रखना, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा क्लोजेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है. देख सकते हैं हम, आपको बिफोर मिले स्टार्टिंग में मिले मिड में मिले,
आपको बिफोर के बाद हमेशा क्या रखना है, सेकंड फॉर्म। हाँ, अगर बिफोर के पास देखो, बिफोर अगर स्टार्ट में आता है तो सेकंड फॉर्म लगा दिया, उसके बाद का ब्लैंक आएगा तो उसमें क्या फिलअप कर देना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि बिफोर आए बीच में मिड में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आगे आ जाएगा और बिफोर प्लस सेकंड फॉर्म बाद में चला जाएगा, लेकिन सेकंड फॉर्म हमेशा बिफोर के साथ रहेगी। क्लियर? ऐसा आफ्टर में बिफोर का बिल्कुल अपोजिट कर दो, आफ्टर के बाद क्या रखना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो इसमें तो बिफोर के पास सेकंड फॉर्म थी और हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में थी, ठीक है, यानी कि अलग थी, या तो शुरू में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, लेकिन इसके साथ तो सेकंड फॉर्म ही है। यहां पर अब हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसके साथ आ गया और सेकंड फॉर्म सेपरेट कर दिया, यानी कि आफ्टर के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म है और बिफोर के पास सेकंड फॉर्म है, और बाकी जो ब्लैंक बचा उसके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर वाले में और सेकंड फॉर्म आफ्टर वाले में। इस तरीके से ट्रिक सेकंड बता देता हूं, बाय द टाइम आ जाए, ठीक है, यहां पे बिफोर आफ्टर की बात थी, यहां पे बाय द टाइम आ जाए और सेकंड फॉर्म आए, बाय द टाइम के साथ सेकंड फॉर्म, तो यहां पर अगला हमारा क्या हो जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन बाय द टाइम के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म, यहां सेकंड फॉर्म थी, यहां अगर फर्स्ट हो जाए तो यह हेड की जगह क्या हो जाएगा, हेड जब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में और ये प्रेजेंट में, ठीक है, देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं, द अकाउंटेंट स्पेस नॉट स्पेस योर लाइफ फाइल टिल यस्टरडे। अब ये टिल यस्टरडे किस पे आएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। देखो पास्ट परफेक्ट में बिफोर भी आता है जैसे हमने बताया, आफ्टर भी आता है, एडवर्ब है, इसकी पहचान सब बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टिल प्लस टाइम, टिल प्लस टाइम आया, अब यहाँ टिल प्लस टाइम आया लेकिन पास्ट टाइम है ना, टिल प्लस का पास्ट टाइम है, टिल प्लस पास्ट टाइम, तो टिल और यस्टरडे पास्ट टाइम हो गया, ठीक है। और टिल देन भी आ सकता है, क्या आ सकता है, टिल देन, तो ये सब किसके हैं, पास्ट के परफेक्ट के हैं। क्लियर? तो पास्ट का परफेक्ट मिला, ऐड कर लेना, किसी ने अगर ऐड नहीं किया तो ऐड कर लेना, तो यहाँ टिल यस्टरडे पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट के परफेक्ट में डायरेक्टली आप जानते हो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पे हेड का ऑप्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन देख सकते हैं कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म इसमें है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, प्लीज यहाँ पे रॉन्ग है, करेक्ट आंसर इज बी। एंड आफ्टर दैट यहाँ देख सकते हैं बिफोर वाला आ गया, बिफोर के बाद वाले क्लोज में क्या आया, सेकंड फॉर्म, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या आया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर है? आफ्टर का अगर आए तो क्या करना, आफ्टर में यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर के बाद आफ्टर से, यानी कि जो हमारा सेंटेंस बिल्कुल जुड़ा हुआ है उसमें हमने हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया, तो अब बाकी जो बच गया उसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, सेकंड फॉर्म यूज किया। तो अगर बिफोर आफ्टर का इस तरीके से कोई भी आपको एग्जांपल मिले तो आपको इसी तरीके से हैंडल करना है। अगर देखो बाय द टाइम का मैंने एग्जांपल और रखा है, यो स्पेस, ठीक है, जो स्पेस और यू, तो यहाँ देख सकते हैं बाय द टाइम के बाद क्या लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म, तो डेफिनेटली मान सकते हैं आगे क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया। हाँ, अगर यहाँ पे बाय द टाइम के बाद क्या होगा, कॉल होता, होगी कॉल नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हैव रिटर्न हो जाता, यानी कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। क्लियर है? हाँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, लेट्स सी द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेकंड फॉर्म हैड बीन आईईटी फॉर्म, दीज आर द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपको दी गई है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, सी हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंपल में भी आपको ध्यान रखना, उसमें मैंने आपको सिंस फॉर के बाद टाइम जब बताया था तो उसमें हमने कहा था कि हैज हैव प्लस बीन प्लस आईईटी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि अगर हैज हैव वो ऑप्शन है तो हम प्रीफर करेंगे हैज हैव को, नहीं तो फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, हैड बीन आईईटी फॉर्म का होगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है, सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम दे देता है, और हैज हैव और हैड बीन प्लस आईईटी फॉर्म तीनों के ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अब ऐसी स्थिति में गड़बड़ होती है, क्या करें? तो ध्यान देना, अगर इसके अलावा पास्ट की कोई अलग से पहचान मिले तो उस कंडीशन में आपको फिर क्या फिलअप करना है, हैड बीन ही फिलअप करना है, ठीक है। हाँ, सिंस फोर के बाद अगर लास्ट टाइम, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर, लास्ट डे अगर इस तरीके से मिले तो उसमें ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही आएगा, हैज हैव भी ध्यान रखना। इसके अलावा अगर पास्ट मिले तो ही
अदरवाइज यहाँ पे हैज प्लस आई की फॉर्म ही फिलअप होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर टेंस जो है कल कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में से बहुत ही रेयर क्वेश्चन जो है बनते हैं, यानी बहुत कम क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादातर हमारे प्रेजेंट और पास्ट टेंस से क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। मैंने ये लिखा क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस को अपने यानी कि तरीके से रिविजन कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।